day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hi my beautiful fellow travelers, welcome back to my channel. This is Neha and you're watching Highlander Girls. और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, बहुत स्पेशल सी जगह पे. और बाहर देखो मौसम हो गया बिल्कुल खतरनाक सा, और समझ में नहीं आ रहा कि ये हवा मतलब तूफान है कि स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि हल्का हल्का वाइट सा दिख रहा है. और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह में एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. यहाँ पे हल्की हल्की सी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, अगर आपको मेरे शीशे में दिख रहा होगा तो. ओह माय गॉड, सामने का मौसम देखो गाइस कैसा हो गया है. हम लोग ढूंढ रहे हैं जो स्पेशल जगह, वो हमें मिल नहीं पा रही है. और बाहर ना बहुत तूफान भी आ रहा है और स्नोफॉल हो रही है. Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. ये देखिए हम लोग आ रहे थे नीचे से, हमें रास्ते में हमें पूछा एक जगह पे कि हमें कहाँ जाना है, और हमें मिल गए कुछ लोकल्स. आपका नाम क्या है? डोलकर. और ये यहीं पे प्यांग विलेज में रहते हैं, और ये लोग हमें मतलब कुछ लोग बैठे थे अभी तक और भी, और वो लोग यहीं पे रुक गए अपने घर के पास, और हम लोग जा रहे हैं आगे. और हमें एक्चुअली जहाँ पे हमें जाना है वहाँ का एग्जैक्ट रास्ता भी नहीं पता, तो हमें ये हेल्प करने वाले हैं अभी. चुके हैं इस समय प्यांग विलेज में. आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, कितनी हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है, थोड़ा पीछे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और आगे मौसम और ख़राब दिख रहा है. सो लेट्स सी आगे कैसा मिलता है हमें. और अभी देखिए यहाँ के नज़ारे, इस समय सारे पेड़ पूरे सूखे सूखे से हैं, और कुछ टाइम में यहाँ हरियाली आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा आने जाने में. हाँ कभी ऐसी गाड़ी ना मिले तो ना कितना चलना पड़ता होगा आप लोगों. तो आपके बच्चे वगैरह भी यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, एक ले में लंदन में पढ़ती है वो. लंदन में ले जा रहे हो? वहाँ पे बैठे हैं. अच्छा सिस्टर के साथ आज. ठीक है ठीक है. तो छोटे छोटे हैं. अच्छा लोटन का एक पीस तो लेफ्ट साइड. Look at this beautiful place. देखिए हम कहाँ आ गए, पहाड़ों के बिल्कुल पास. और बहुत सुंदर सी जगह है, इधर पे बहुत प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं. और ये देखिए रास्ता भी कितना खूबसूरत है. आप लोग देख सकते हैं कि लद्दाख के गांव कैसी कैसी जगहों पे बसे हुए हैं. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत दिक्कत है, लोग बहुत मुश्किलों के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं. तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लेडी को इनके घर तक ही छोड़ के आया जाए. बिल्कुल ही पास है ये तो पहाड़ के. हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों में. आ जाएंगे हम. नहीं आएंगे हम, बहुत घूमते हैं. हम पक्का आ जाएंगे, चिंता मत करो. नहीं हम आएंगे फिर. ठीक है बाय बाय. थैंक यू सर. ठीक है बाय. और यहाँ के लोग बहुत स्वीट है, वो हमें चाय के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, बट हमारे पास टाइम ही नहीं था. अदरवाइज मेरा बहुत मन था कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का और उनकी कल्चर के बारे में और जानने का. ये देखो गाइस अब कहाँ पहुंच गए हैं, मतलब इनका घर देखो कितने ऊपर था, बिल्कुल यहाँ से बस बर्फ वाला पहाड़ स्टार्ट ही है, सोचो. वाह, और मुझे लगता है गर्मियों में यहाँ पे से धारा आती होगी. और यहाँ ना इनके गार्डन में भी अभी भी बर्फ बहुत ज्यादा जमी थी. सामने का नजारा देखो. ओ गॉड क्या सुंदर है, और स्तूपा दिख गया मुझे. देखो मैं कहाँ आ गई हूँ. वाओ अमेजिंग. यहाँ पे ना हल्की हल्की सी स्नोफॉल सी भी होने लग गई है. एक तो बिल्कुल पहाड़ों के पास है हम, मतलब जहाँ पे बर्फीले पहाड़ है हम उसके पास है,
और हमें ये रास्ता पूरा क्रॉस करते हुए जाना है, वहाँ पे जा रहे हैं। हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। बट यहाँ कांटेदार पेड़ भी हो रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब वैसे स्पोर्ट्स शूज पहन के लाओ तो ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे, बट मेरे बूट्स भी ठीक है। वैसे थोड़ा सा आराम आराम से जाना पड़ेगा। बर्फ भी स्टार्ट हो गई है, वाओ ये। लेट मी शो यू अ वंडरफुल व्यू, शायद आपने इससे पहले ऐसा व्यू कहीं नहीं देखा होगा। और जिस चीज की मैं बात कर रही थी वो है मेरे सामने, वो अमेजिंग अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है यार। ये क्या लग रहा है, जन्नत जन्नत है ये जन्नत। इससे सुंदर आपने कभी कुछ देखा है आज तक, बता दो मुझे। कितना सुंदर लग रहा है। और वहां पे देखो वो हल्का सा मेल्ट होते हुए जो पानी की ड्रॉपलेट्स गिर रही होगी ना, वो उसकी धारा भी ना बिल्कुल जम चुकी है। वो कितना अच्छा लग रहा है, कोनिकल सी लाइट। हमें एक्चुअली रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ढूंढ रहे हैं अभी हम। वो वहां पे से शायद थोड़ा सा लो है, तो क्या पता हमें वहां पे से कट मिल जाए। और हल्की सी स्ट्रीम भी फ्लो हो रही है एक तो बीच में। मैं आ गई हूँ नार्निया। Isn't it looking like a Narnia? ऐसा लग रहा है सच में किसी उसी मूवी के अंदर घुस चुकी हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल melted eyes. Oh my God, what is this? I can't believe कि मैं ऐसा कुछ भी देख पा रही हूँ। यार ये क्या है, कितना सुंदर लग रहा है। Oh my God, the night's young, it is just begun as she puts a hand. ओ पूरी गुफा है यार, ये देख। अब फिस लेके देखना, हाथ के बल मुंह के बल गिरती है। उधर को बच्चे ज्यादा लेफ्ट को इधर घुटा है। तो खड़े हो फिर। These are basically man-made ice stupas, जिसमें स्ट्रीम से वाटर को अपलिफ्ट करके फाउंटेन के शेप में गिराया जाता है, जो कि ठंड के टाइम पे जब माइनस में टेम्परेचर रहता है तो ये फ्रीज हो जाता है। और बाद में जब अप्रैल और मई के टाइम पे नेचुरल ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हो रहे होते हैं, उस टाइम पे ये गांव वालों को वाटर सप्लाई देता है। So this is a great initiative by Sonam Wangchuk that is very very helpful for villagers. बहुत मजा आया आज, सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब पता भी नहीं था हमें कि इस जगह पे आइस स्तूपा बना हुआ है, और रेंडमली हम आ गए। हमको एक्चुअली कहीं से पता चला, हमने किसी की फोटोज देखी था, हमें पता चला अच्छा यहाँ पे ऐसा भी है, और हमें नहीं पता था अभी तक। तो हम लोग फाइनली देखने पहुंच गए, और मेरा मन तो कर रहा अभी थोड़े टाइम ना और आऊँ एक दो बार यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा। मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ पे से आऊँ। सो अभी बस चलते घर की तरफ, बहुत अच्छी अच्छी धूप सी आ गई है, बस जाते घर और एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और इन वादियों को इंजॉय करते हुए चलते हैं। We'll never have regret.